हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माई चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे जो आजकल की सिचुएशन क्रिएट हो गई है एग्ज़ाम को लेके। जैसा कि सभी लोग को पता है कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम सारे रुके हुए हैं, और जो अभी नई सूचना आई है उसके तहत हमें ऐसी जानकारी मिली है कि जो एग्ज़ाम्स हैं ग्रेजुएशंस के, वो MCQ के बेसिस पे होने वाले हैं। और उसके बाद फिर जो बड़ी चिंता ये है वो ये है कि इसका मॉडल नहीं पता, साथ साथ उन्हें मॉडल भी प्रोवाइड करना चाहिए था जिससे बच्चों को आसानी हो कि वो समझ पाएँ उन्हें क्या पढ़ना है और उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी करें। तो ऐसी कोई चीज़ें आई नहीं है, और उस लेवल पे तो सारी चीज़ें डिस्कशन हो गई हैं कि MCQ होगा और उसी तरीके से एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, कि बच्चों की समस्या दूर नहीं हुई है। तो हमारा आज का इस वीडियो में, इस सेशन में कोशिश यही है कि थोड़ा कुछ उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली होगा या कितना नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक प्रयास है कि लगभग उसी जैसा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जानती है कि वो किस तरह के पढ़ाई हुई है इस बार। तो ऐसी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी भी बच्चे से, तो जो पेपर बनेंगे वो थोड़ा ठीक ठाक ही बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस तरह से पेपर दे दिया जाए जैसे एंट्रेंस में आते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए न होगा, स्तर उनका नीचे ही होगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है जहाँ तक हमें लगता है कि वो थ्योरी से न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा है, जबकि हमारे विद्यापीठ का जो सारा शेड्यूल रहा है या अदर यूनिवर्सिटियों का जो ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए या PG में भी, तो उनका ये रहा है कि थ्योरेटिकल बेसिस पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई चलती है और न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। तो जो बच्चों की तैयारी है वो उसी हिसाब से है, वो थ्योरेटिकल बेसिस पे ज़्यादा फोकस्ड है, न्यूमेरिकली नहीं स्ट्रांग है। तो इस एग्ज़ाम में उन्हें थोड़ा सा उधर की तरफ घूमना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को ध्यान देना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस अच्छे से वो कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा कोई डेरिवेशन आने वाला नहीं है, कोई भी थ्योरम यहाँ प्रूफ आप कर नहीं सकते हो। तो आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको समरी या उसका कंक्लूज़न नहीं पता, आप उसकी आखिरी लाइन नहीं जानते हो या लाइन बाय लाइन हर चीज़ को नहीं समझे हो, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस प्रोसेस को जाने और धीरे धीरे अपने आप को, जो थ्योरी आप पढ़े हैं बस उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैथ्स वगैरह है तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको रिजल्ट निकालना होगा, ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप समझें उन चीज़ों को, और इतना हवा बना के ना चलें कि ये बहुत दिक्कत होने वाला है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो आदत थी हमारी थ्योरी वाली वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, न्यूमेरिकल्स उतने अच्छे से अगर नहीं कर किए होंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए तो देखते हैं, मैथ्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पहले बताने का, बाद में हम फिज़िक्स के लिए भी बताएंगे। तो फ़िलहाल मैथ्स के लिए और स्पेशली हम थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों के लिए पहले सोचे हैं, तो पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और थर्ड ईयर के लिए तो एक अच्छी बात है कि उनका एंट्रेंस भी आने वाला है, तो इसको वो चाहे तो प्री एग्ज़ाम की तरह ले सकते हैं। आगे का भविष्य उनका एंट्रेंस पर डिपेंड करता है, वो जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, तो एंट्रेंस के लिए भी उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि इसकी अच्छे से तैयारी करें और अपनी थ्योरी और जो ब्रॉड वाला पूरा कंसेप्ट था उसको छोड़ के फोकस्ड और सेंट्रलाइज्ड पढ़ाई करें, जिससे कि उनका एंट्रेंस भी अच्छे से जाएगा और ये एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा। तो पढ़ने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। सबको पता है कि किस तरीके का नॉलेज दिया गया है इस बार कॉलेजों में, या जैसे भी जितनी पढ़ाई हो पाई है उसके हिसाब से सिलेबस भी बहुत जगह बहुत कट गया है, तो उस हिसाब से पेपर उसी तरह से बनेंगे। तो एंट्रेंस वाले लोग विशेष रूप से इस तरीके से ध्यान दें। सेकंड ईयर की बात बाद में होगी क्योंकि उनका भी है एग्ज़ाम और कराया जा रहा है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम देंगे दूसरी बार एक ही बार एग्ज़ाम दे के वो कैसे डिग्री ले सकते हैं, ये सारी बातें आई हैं। तो थर्ड ईयर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ध्यान दें इसको अच्छे से, इसको अगर अच्छे से एग्ज़ाम देंगे तो उनके एंट्रेंस के लिए बेहतरीन होगा, चाहे वो BHU हो, चाहे UP कॉलेज हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी उनकी इच्छा हो आगे की, तो उसके लिए वो अच्छा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन
वहाँ के लिए यहाँ से अभी से लगना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, जैसे अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में आप मैथ्स में पढ़ते हो, जैसे आपका एक पेपर है रियल एनालिसिस, सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसी तरीके से थर्ड पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और फोर्थ पेपर ऑप्शनल पेपर है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये चॉइस के हिसाब से चलता है, चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग हो या फिर जो भी आप ज्योमेट्री पढ़े हो, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो टेंसर बेस्ड भी होती है और वेक्टर बेस्ड भी होती है। तो जो भी मैथ्स पढ़े हों ये ऑप्शनल के लिए, तो वो अपना अपने हिसाब से देख लेंगे। फ़िलहाल जो मेन पेपर है आपका तीनों यही है, उसके बाद ये ऑप्शनल वाला पेपर है। तो इसमें आपको क्या कोशिश करनी है वो हम बताएंगे क्रम से। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स को ही थोड़ा अच्छे से बृहद रूप में दिखाएंगे, बताएंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल के लिए भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग को तो कुछ एक्सपीरियंस है ही उस हिसाब से, एग्ज़ाम या MCQ लेवल पे हो चाहे जिस भी लेवल पे हो, तो थोड़ा सा उस आइडिया का हम यूज़ करेंगे और कोशिश रहेगी कि ये हेल्पफुल रहे पूरा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जब हायर स्टडीज़ में आ रहे हैं तो फिर आता है एनालिटिक फंक्शन, फिर हम आगे पावर सीरीज या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या उस तरीके से रेसिड्यू सिंगुलरिटी रेसिड्यू वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपका थर्ड ईयर में जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट में जो स्टार्टिंग से होगा, वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z इक्वल x प्लस iy, जहाँ x एंड y ये तो रियल है लेकिन एज अ होल z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस हिसाब से अगर हम करें तो अगर z आपको दिया है और आपसे अगर बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो आपको इसका इमेजिनरी पार्ट भी आ सकता है कि अब इसका इमेजिनरी सेक्शन क्या होगा, या इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है वो आपसे पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल में हम माने कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है sin x + iy = p + iq, मान लीजिए ये गिवन कंडीशन है कि इफ़ sin x + iy = p + iq, ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से है जो हमने स्टार्ट किया है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं और आपसे पूछा जाए देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है p और q की वैल्यू बताना, तो सिंपल सा आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है, आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से सेलेक्ट करना है, जो भी होगा उसके हिसाब से आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे और उसके हिसाब से बताना है कि क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका जैसे मान लीजिए कि z की वैल्यू ये है, तो थोड़ा सा इसको बृहद करें तो z × z बार पूछ लिया, दो चार ऑप्शन मिल गए, जैसे एक ऑप्शन हो गया x² - y², दूसरा ऑप्शन दे दिया x² + y², तो ये इजी चीज़ें हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये इजी सेक्शन रहेगा आपके लिए अगर इस तरह का आता है, क्योंकि वैसे भी ये रिविज़न का पार्ट है तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। मेन जो थर्ड ईयर है वो एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन शुरुआत के लिए कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है। सिंपल सा अगर जेड दिया हुआ है और आपसे z z बार पूछता है तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम एनालिटिक की बात करें, एनालिटिक फंक्शन में अगर हम चलते हैं थोड़ा सा अपने लेवल में जो थर्ड ईयर का है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन आप पढ़े होंगे CR इक्वेशन
सीआर इक्वेशन जो बड़ा फेमस इक्वेशन था वो कार्टेशियन और पोलर दोनों के फॉर्म में है, कार्टेशियन और पोलर दोनों फॉर्म में था। अब उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, पूछ सकता है कि कार्ट का जो सीआर इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म या इन कार्टेशियन फॉर्म क्या है। आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा उसमें भी 1, 2, 3, 4, तो आपको वो कंडीशन याद होनी चाहिए कि वो क्या था, यू एक्स बराबर यू वाई या फिर आपका वी एक्स बराबर माइनस वी वाई था या क्या था, एक में सारा पॉजिटिव दे देगा एक में थोड़ा निगेटिव दे देगा। तो इसी ऑप्शंस को चेंज करके यू एक्स और यू वाई या वी वाई जो भी, तो ऑप्शंस आप समझ रहे होंगे, जैसे यू एक्स इक्वल एक हो गया वी एक्स दूसरा, या उसी में एक और रहेगा ना, डबल डबल कंडीशन था उसमें, तो मान लीजिए फिर यू वाई है या वी वाई इक्वल टू यू वाई इस तरीके से, दो चार ऑप्शन, तो एक सही हो जाएगा एक गलत हो जाएगा इस तरीके का मिल सकता है। तो सीआर इक्वेशंस की कंडीशन याद होनी चाहिए, कार्टेशियन का फॉर्म और उसी के साथ साथ जो पोलर का फॉर्म है वो पोलर के फॉर्म में भी रेडी रहिए कि डायरेक्ट चारों ऑप्शंस मिले तो हम क्या कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे देता है, वहाँ पे अपने कई सारे फंक्शंस को भी पढ़े हैं ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को भी पढ़े हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे आपको दिया गया हो रियल पार्ट, कोई एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन में रियल पार्ट गिवन है, जैसे z को हम मानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका फंक्शन हो गया। तो अगर ये एनालिटिक है, अगर ये एनालिटिक है, तो अगर हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि मान लीजिए कि f ऑफ z को हम कैसे लिखते हैं, u प्लस आई बी, जहाँ u और v भी रियल फंक्शन होता है। तो अगर इस इक्वेशन में हमें रियल वैल्यू पता है, रियल पार्ट मान लीजिए गिवन है, कुछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर समथिंग, फिर हमसे पूछे कि f ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, फिर से आपके पास चार ऑप्शन, यानी रियल पार्ट पता है और हमें बताना है कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन में कुछ दो चार फंक्शन दे देगा चारों ऑप्शंस, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। तो कैसे होगा, u है या तो सिर्फ v ही पूछ दे कि अगर रियल पार्ट ये है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इन द फॉलोइंग्स वी व्हाट इज़ द या व्हाट आर द इमेजिनरी पार्ट्स, व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट, अगर u गिवन है तो v बताने को आ सकते हैं, या u या मान लीजिए कि अगर दोनों ही गिवन है तो f ऑफ z, ऐसे क्वेश्चंस कम मिलेंगे। तो u होगा आपको रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा, आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। या कुछ और समझ सकते हैं, जैसे एक पोलर का फॉर्म हो गया और एक कॉची रिमान इक्वेशन से क्वेश्चन हो जाएगा कार्टेशियन से, उसकी जो कंडीशंस है उसके हिसाब से, तो ये याद रख सकते हैं। और जो कुछ और कंडीशन से कि ये लाप्लास इक्वेशन होगा कि नहीं, आपको कोई फंक्शन दे देगा फिर पूछेगा कि वो फंक्शंस लाप्लास कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या विच ऑफ द फंक्शंस सेटिस्फाई द लाप्लास कंडीशन, तो दो तीन चार फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा फंक्शन है जो लाप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स का एनालिटिक पोर्शन। अब एनालिटिक से अगर हम आगे बढ़ें तो कन्फॉर्मल मैपिंग, तो पहले तो इसको डेफिनेशन से जानिए, उसमें अंदर से ही क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसका स्टेटमेंट वगैरह से भी, अगर जो लास्ट इसका कंक्लूज़न आता है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दे कि w इक्वल f ऑफ z जो है एक कन्फॉर्मल मैपिंग को शो कर रहा है, देन जो f ऑफ z है वो एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है w इक्वल f ऑफ z, इसको अगर शो करना है तो जो f ऑफ z है वो एनालिटिक हो, किस रीज़न में हो, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो थ्योरी पे भी थोड़ा सा फोकस रखेंगे, जो डिफिनीशन वगैरह है वहाँ पे, या कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओमेगा इक्वल टू बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दे देगा, जेड प्लस आई या जेड माइनस आई इस तरीके से, या डब्ल्यू इक्वल टू टू जेड प्लस आई इस तरह का,
2z+1 अपॉन जो भी इस तरह का, और तीन चार आपको W का वैल्यू दे दिया, और फिर पूछ सकता है वो कन्फॉर्मल है कि नहीं, या वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है कि नहीं, इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी इसमें है जैसे आपका इन्वर्स पॉइंट भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ द पॉइंट जेड विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल z=r विथ रिस्पेक्ट टू मॉड ऑफ z=r, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इन्वर्स पॉइंट क्या होगा, इसको आप थ्योरी में किए हो बकायदा, जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उसमें ये है। बस यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, तो अच्छी बात है, कुछ आंसर का नज़रिया भी मिलेगा, आंसर का भी कुछ आइडिया मिल जाएगा, तो दिक्कत क्या है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो ये और इजी हो जाएगा, एक आंसर का अनुमान रहेगा। ऐसे तो आप करते थे, आपको आंसर के बारे में ज़रा भी पता नहीं होता था, तो इस तरीके से इसको आसान समझ सकते हैं। और इसमें क्रॉस रेशियो पढ़े थे, क्रॉस रेशियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे मान लीजिए कि Z की वैल्यू दी हुई है और आपको W का मान बताना है, जो क्रॉस रेशियो का रिलेशन था Z माइनस करके, इस तरीके से Z माइनस Z बार, और उसी तरीके से वो उधर था Z माइनस Z1, ये था ना कुछ इस तरीके से Z माइनस Z1 और अपॉन Z2 माइनस Z3, और इधर W माइनस W1, W2 माइनस W3। तो ऐसे रिलेशंस को यूज़ करके मान लीजिए सारी वैल्यू दी है, एकाक वैल्यू नहीं दी है, उसको ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस वही रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको घटाने पड़ेंगे, भले वो मल्टीपल चॉइस है। और एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि हमें टाइम बचाना होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, और हो सकता है वो लोग सही से आइडिया न लगाएं, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाए आपके हिसाब से, और टाइम उतना मिले नहीं, दो घंटे तीन घंटे का जो पेपर होता है वही टाइम मिलेगा। और हमें आदत है लंबे लंबे क्वेश्चन लगाने की, और हम दो तीन घंटों में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन यही आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। यहाँ पे इतने कम हो सकता है 9 आए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, तो कुछ तो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टाइम भी थोड़ा बचाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का स्तर भी उस हिसाब से वो लोग रखेंगे कि थोड़ा नीचे ही रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, तो कैसे कोई सॉल्व करेगा। तो ये था कुछ कन्फर्मल से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर हम पावर सीरीज़ की बात करें, कॉम्प्लेक्स का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ में आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला था, जब आप पावर सीरीज़ पढ़ रहे थे वहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था, तो आपको दिया हुआ था कुछ सीरीज़ वगैरह, सीरीज़ दिया गया था, जैसे इस तरह का कोई सीरीज़ हो गया सिग्मा एन अपॉन 2 to the power n और z टू द पावर n। तो इस तरीके की अगर सीरीज़ दी हुई है, जैसे एक तरह से ये ए एन को शो कर रहा है और इधर zn कुछ इस फॉर्म में ए एन और z पावर n, तो ये एक सीरीज़ है, तो आपसे पूछता था कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, बस ये है कि वहाँ फंक्शन बहुत बृहद नहीं देगा, कि वहाँ बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग हो जाए, आपसे फंडा रूल सारा चेकिंग हो सकता है, बहुत बड़े बड़े फंक्शन नहीं दिए जाएंगे कि आप उसमें उलझ के रह जाए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते MCQ लेवल पे। तो स्तर उनका छोटा होगा, क्वेश्चन उसी टाइप से होगा, क्वेश्चन जो है उसी टाइप से रहेगा, बस वो थोड़ा सा इजी लेवल पे होगा, फंक्शन उसके छोटे छोटे हो सकते हैं, उस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरह के सीरीज़ मिलेगी आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। फिर कभी कोई पूछता है किस पॉइंट पे वो कन्वर्जेंस होगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, लगाए हैं सब, आप लोग पढ़े हैं तो सारा कुछ ही पढ़े ही होंगे, तो क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया है, आप लगाए हैं सारा कुछ, केवल उसमें ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना होगा, ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देनी है। अब जैसे इसके बाद आ रहा है कम्प्लेक्स इंटीग्रल, तो कम्प्लेक्स इंटीग्रल में बहुत ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, जैसे आपको इंटीग्रल की वैल्यू दिया है, जैसे मान लीजिए कि ये है द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू
द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी वन अपॉन जेड और डी जेड वेयर सी इज अ सर्कल कुछ इस तरीके से z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा तो आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो जहाँ पे जो थीटा है उसका रेंज दिया होता था, जैसे यहाँ पे है ज़ीरो थीटा और यहाँ पे पाई या टू पाई, जो भी पाई। अब इसके बाद चार ऑप्शन इस तरीके से, तो ये फंक्शंस छोटे होंगे जो यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, जैसे इंटीग्रेशन का मॉडल यही है एफ ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करने को आएगा तो ये फंक्शन बहुत लेंदी नहीं देगा। जितना आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते थे ग्रेजुएशन लेवल पे, बड़े बड़े यहाँ फंक्शंस दिए जाते थे और उस हिसाब से एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन होता था पूरा, उतना बड़ा एमसीक्यू लेवल पे नहीं आएगा। तो करना वही रहेगा, फंक्शन हमारा छोटा होगा तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। जेड की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी जेड यहीं से फाइंड कर लेंगे, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका लिमिट वगैरह लगा के सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शंस पता होगा पाई आई टू पाई आई थ्री पाई आई, या इसमें जो कोची का एक क्वेश्चन है एक टू पाई आई इंटू जो समथिंग है आगे, वो यूज कर सकते हैं। जो फंडा यूज होता है रेडियस ऑफ था ना, वो रेडियस ऑफ इंटीग्रेशन, तो जितने थ्योरम्स पढ़े हैं वो थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब प्रूफ करने वाला काम तो रहा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें कम भी हुई हैं, ऐसे तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन याद रखना पड़ता तो वो काफ़ी कठिन होता, तो वो चीज़ से बच रहे हैं तो उतना टाइम अब न्यूमेरिकल को दे सकते हैं, जो उसके इतने बड़े बड़े ब्रॉड इतने लंबे लंबे इसके डेरिवेशन थे, कॉची थ्योरम था, कॉची इंटीग्रल थ्योरम था, उसका nth डेरिवेटिव वाला पार्ट था सारा चीज़, तो उसको बचेगा तो थोड़ा सा न्यूमेरिकली बेस्ड पढ़ाई करनी होगी, अदरवाइज सब आसान है, इतना नहीं है। इस तरह का आ सकता है, या आपको पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा, जैसे टेलर एक्सपेंशन है तो पूरा ही स्टेटमेंट दिया होगा, लास्ट में आपसे केवल उसका कंक्लूजन पूछ देगा कि किस तरीके से एफ ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं, मतलब ये रीज़न है ऐसा ऐसा सारा कुछ है, उसके बाद लास्ट में हम टेलर सीरीज़ को या टेलर थ्योरम को हम किस तरीके से लिखेंगे चारों ऑप्शन से, वो भी हो सकता है, जैसे है ना कुछ वन अपॉन टू पाई आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट है, या एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का कुछ टू पावर है या थ्री पावर है या डैश है, किस तरीके से है, तो इस तरीके से मतलब आपको पूरा स्टेटमेंट मान लीजिए दिया हुआ है और लास्ट का रिजल्ट पूछ दिया कि एफ डैश जेड को हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे डेरिवेटिव मान लीजिए निकालना है एफ ऑफ जेड को किस तरह से लिख सकते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, चार ऑप्शन, सो वन अपॉन टू पाई आई और जो भी यहाँ पे आता हो वो सारा कुछ आप याद रखोगे, डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, इस तरीके से कहाँ होल स्क्वायर है, कहाँ एन है, थ्री है, टू है, ये सारा, तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। और न्यूमेरिकल्स तो यहाँ थे ही, आप इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइन करते हो इस तरह से अदर अदर कंडीशंस पे, अदर अदर इंटरवल पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर रेसिड्यू उससे पहले बात करें सिंगुलरिटी के बारे में, तो सिंगुलरिटी में तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस फेमस है, सिंगुलरिटी में बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली निकलवाया जाता है, जैसे नंबर ऑफ पोल्स, कितने नंबर ऑफ पोल होंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है, तो करना यही है कि थ्योरी पार्ट से बचना है अगर, तो न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ये आपके एंट्रेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है और उसमें आप अच्छा खासा कर पाएंगे इस पद्धति की वजह से, तो बहुत बेटर है ये अगर उस हिसाब से सोचे तो। तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलिए, जैसे मान लीजिए पूछ दिया नंबर ऑफ पोल्स, ऑफ एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन गिवन है, इसमें नंबर ऑफ पोल्स पूछ दिया, फंक्शन कुछ इस तरीके से वन अपॉन जेड जेड स्क्वायर प्लस थ्री और फिर जेड स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर वगैरह, इस तरह का फंक्शन है और इस फंक्शन में, और इसको लिखा है फिर आगे इनसाइड द सर्कल, जो फंक्शन है वो कहाँ के लिए है, तो इनसाइड द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन,
इस तरह के हैं, तो आपको नंबर ऑफ पोल्स बताने हैं, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, मतलब कितने जेड के पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगे पोल्स जैसे निकालते हैं, तो नंबर सिर्फ बताना है उनका, नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा। या आपको यहाँ भी इंटीग्रेशन फाइंड करने को आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड, इस तरीके से डी जेड अपॉन आपका कोई भी फंक्शन यहाँ हो जाएगा, जेड माइनस वन, जेड प्लस टू, जेड प्लस टू, जेड प्लस टू, और कंडीशन दिया होगा यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू थ्री। तो इस तरह के क्वेश्चन कराया गया है आपके यूजी लेवल पे, सारा कुछ क्वेश्चन कराया जाता है फाइनल में, और ये किए हैं। इसकी वैल्यू बतानी होगी तो है क्या, चार ऑप्शन, तो चला एक माइनस टू, दूसरा ऑप्शन माइनस वन, नेक्स्ट ऑप्शन माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस, इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे। तो एक आसान भी बात है कि हमें एक आंसर का आइडिया होगा कि अराउंड यही रहेगा सारा कुछ। रेसिड्यू वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक सिंपल सा इंटीग्रेशन, आप समझेंगे कैसे कि कम्प्लेक्स है, ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन जैसा है, चूँकि यहाँ जेड है तो जाहिर सी बात है ये कम्प्लेक्स के लिए है। कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, ज़ीरो टू टू पाई, सीधा फाइंड द वैल्यू ऑफ, या द वैल्यू ऑफ ये डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें कह देगा ए बड़ा है बी से और ज़ीरो से भी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन, जैसा पहला आंसर हो गया टू पाई ए अपॉन समथिंग क्यू, तो क्वेश्चंस किया है आपने, जो आंसर आ रहा है अगर ये बहुत बड़ा हो रहा है तो जो इसका आंसर आ रहा है लगभग इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सेम टाइप से ही होते हैं। तो रिज़ल्ट को पकड़ने की कोशिश करिए जल्दी से, टाइम्स को बचा के रिज़ल्ट को कोशिश करिए पकड़ने का, क्योंकि हो सकता है कि इतना समय ना हो जितना इसमें लगने वाला है। तो समय को बचाने का फिर तरीका है कि इस क्वेश्चंस को कुछ बच्चे तो इसके रिज़ल्ट याद रखते हैं, हालांकि हर क्वेश्चन के रिज़ल्ट नहीं याद किया जा सकता है, लेकिन एक एक फॉर्म का, एक जैसे फॉर्म के आंसर एक ही जैसे आते हैं, तो उनको याद कर सकते हैं, इससे अपना काम आसान हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। उसी तरीके से रेसिड्यू अलग अलग पॉइंट पे निकालना, पूछ देगा इसके कितने नंबर ऑफ़ रेसिड्यूज़ होंगे, कितने नंबर ऑफ़ पोल एग्जिस्ट करेंगे, कौन सी सिंगुलरिटी होगी, जो गिवन फंक्शन है उसका कौन सा सिंगुलरिटी होगा, इसेंशियल होगी या फिर आपका अदर सिंगुलरिटीज़ जो हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो उसमें, कौन सी सिंगुलरिटी है, ठीक है, नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड या इसेंशियल सिंगुलरिटी, तो फंक्शन है और उसमें बताना पड़ेगा कौन सा सिंगुलरिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ रिज़ल्ट को अगर याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, उससे आपका टाइम बचेगा, आपको सारे थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखने हैं, स्टेटमेंट उनको डिराइव नहीं करना है, केवल थ्योरम के पूरे स्टेटमेंट याद होने चाहिए, डेरिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको समझे रहें कि वो जो चार पाँच लाइन का स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, एनालिटिक, और वो क्या है, वो क्रम से एनालिटिक होने के लिए क्या क्या चाहिए, या अगर किसी क्वेश्चन को या किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन होना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किसी फंक्शन को अगर कन्फॉर्मल होना है तो क्या क्या कंडीशन चाहिए, पूछ सकता है फंक्शन इज सेट टू बी कन्फॉर्मल, कब कंडीशन दे देगा तीन चार। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, एकदम अच्छा सा उसको याद कर लीजिए कायदे से, कंडीशंस को पूरी, उसके बाद जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उन पर बन सकते हैं, जो आपका 5 मिनट 10 मिनट के अंदर निकल सकता है, उस तरह से कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन या मॉडल क्या आता है बाद में, वो तो बाद में पता चलेगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो आपको अपने हिसाब से ही माइंडसेट रखना है किस तरीके से होगा। तो उसी तरीके से अगर हम कुछ दूसरे पेपर की बात करें, जैसे आपका रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस में कुछ टॉपिक्स बड़ा कॉमन है, जैसे रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल में पूछता है कोई भी फंक्शन देखे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, समथिंग इज आर इंटीग्रेबल आर नॉट, तो आर इंटीग्रेबल है कि नहीं है, इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो और उसमें एक और टॉपिक आती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हाँ रीमान की कंडीशन को याद रखेंगे, जो रीमान इंटीग्रेबल होने की कंडीशन क्या है, उसका लेफ्ट राइट जो भी है सारा
वो याद रखेंगे, लेफ्ट आपका लेफ्ट राइट लिमिट जो भी आता है वो दिमाग में रखेंगे, और उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल में काफ़ी क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिसका आपको रिजल्ट मिलता है बकायदे, उसका रिजल्ट आता है तो आपको इंटीग्रेशन दे देगा, आप उसको सॉल्व करिए और फिर आपके पास चार ऑप्शन, और वो ऑप्शन अब ये है कि इसको हमें कम टाइम में करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट करना होगा, ये आपके एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी काम करेगा। तो ज़रूरी है दोनों हिसाब से चलिए, एंट्रेंस तो देना ही है, आगे तो पढ़ना ही है, तो एंट्रेंस को मान के चलिए कि ये प्री एग्ज़ाम है, उस तरीके से इसको हैंडल करिए। सारा ओपन बाउंड जो भी है, क्लोज सिस्टम या सारा कुछ जो टर्म है वो तो आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें। ये देखिए कि इस एग्ज़ाम की वजह से आप बड़े बड़े डेरिवेशन से बच गए, जो काफ़ी लेंदी होता था, थर्ड ईयर का जो मैथ है वो थ्योरेटिकली काफ़ी लेंदी है, काफ़ी थ्योरीज है, चाहे वो रियल की बात करें या कम्प्लेक्स की बात करें, तो बहुत सारा थ्योरम है, उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, तो उन चीज़ों से आप बच भी रहे हो, अगर इस तरीके से एग्ज़ाम होगा तो उस तरीके से बच भी रहे हो, और आगे के लिए फर्दर काफ़ी आसान होगा, चाहे कोई भी एंट्रेंस देना होगा। और उसी तरह से अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका सिम्पसन रूल या शुरुआती चीज़ें जो आप पढ़े हो, स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं, कुछ ऑपरेटर्स शुरू में डिफाइन होते हैं, तो वो ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लेगा कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे मान लीजिए कि रिलेशन ही पूछ दिया, शिफ्टिंग ऑपरेटर आप पढ़े हो, शिफ्टिंग ऑपरेटर, तो कुछ ऑपरेटर का रिलेशन ही पूछ दिया कि बता दो ये ई में या डेल में या फिर इस तरीके के तीनों रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं, है ना, ये तीनों ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, इन ऑपरेटर्स में क्या रिलेशन है, चार ऑप्शन इस तरह का, तो ये पेपर थोड़ा सा इजी बन सकता है बाकी अदर पेपर से। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं, या आपसे फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का रिज़ल्ट पूछ दे, कोई एक फंक्शन दे के उसका रिज़ल्ट किस फॉर्म में होगा, या उसके पावर से इवेलुएट करना, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का है पावर 10, ये मेथड लगाने पे जो थ्योरम होता है अलजेब्रा वाला बहुत आसानी से हो जाता है, 1 - ax इस तरह का क्वेश्चन 3-4 ब्रैकेट्स में होगा और आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर चार ऑप्शन मिलेंगे, तो क्वेश्चन उसी जैसा होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। जैसे del2 sin x क्या होगा, है ना, ये ऑपरेटर है, ये अगर इसके ऊपर ऑपरेट होगा देन इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से भी होगा, और बहुत कठिन नहीं वो कर सकते, क्योंकि यहाँ पेपर्स को भी मिक्स करना है। जो अभी न्यूज़ आई है वो न्यूज़ में ये है सूचना कि आपका पूरा तीनों चारों पेपर मिला के सिंगल पेपर बनना है, तो वो कितना क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे हम कम्प्लेक्स की बात करें तो रिमांड नहीं छोड़ सकते, उसी की वजह से सारा कुछ है आगे, तो रिमान हो गया या कम्प्लेक्स इंटीग्रल और रेसिड्यू पोल सिंगुलरिटी, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो किस पेपर से कौन सा टॉपिक वो टच करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे, ये सारा कुछ अभी एक सवाल है, कितना वो देंगे कितना नहीं देंगे, किस पेपर को वो अवॉइड करेंगे, किस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, तो ज़रूर इसके लिए कुछ मॉडल उनको करना चाहिए पहले से ही फ़िलहाल। और इसमें अगर न्यूमेरिकल में और आगे बढ़े तो सिम्पसन 1/3 रूल आपसे उसका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, और अदर फार्मूले से उनके आंसर्स थोड़े अलग अलग आते हैं, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा, नहीं तो जनरली इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो थोड़ा आसानी रहती है, तो उतने बड़े क्वेश्चंस वो नहीं दे सकते, डायरेक्ट रिज़ल्ट वाले क्वेश्चन ही देंगे, तो कुछ रटे रटाए फंक्शंस होते हैं उनका रिज़ल्ट याद रख सकते हैं, इस तरह का हो सकता है। तो मोटी मोटा ये है कि आपको जो पढ़ना है वो थ्योरेटिकल से न्यूमेरिकल की तरफ घूमना है, थ्योरी को अवॉइड करना है, अवॉइड क्या करना है मतलब उसको देखना है, डेरिवेशन से बचना है, और उसको स्टेटमेंट को कायदे से देखना है, एक एक लाइन वो कंफर्म हो कि किस रीज़न में किस कंडीशन में कौन चीज़ कहाँ पे कन्फर्मल है किस तरीके से है, और उसके बाद उसको इम्प्लाई कर लेना है, तो कंक्लूज़न क्या मिला उसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ी सी समझने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा काम आएगी,
रटने वाला काम नहीं चलेगा, कितनी चीज़ें आप रटोगे। तो समझे रहेंगे कंसेप्ट को तो क्वेश्चन उसी में से रहेगा, और आपको फार्मूले तो याद ही होने चाहिए, ये ऑपरेटर क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें तो याद ही होनी चाहिए। तो फिलहाल ये एक छोटी सी कोशिश है कि कुछ हेल्प मिले आपको, जो इतना सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। तो आप पढ़ने का प्रयास करिए, अच्छा ही होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा स्तर से लोग नहीं बना सकते, वो जानते हैं खुद कि कितनी अच्छी से क्लासेस चली हैं इस बार, तो पेपर आसानी होगा। हाँ, ये है कि उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, कहीं थोड़ा सा टफ भी आए तो हम उसके लिए तैयार रहें, ये ना मान के चले कि बिल्कुल सा हलवा खाने जैसा होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल नाउ थैंक यू सो मच।